हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो हमारा कॉइन है वो है फाइव यूरो सेंट्स हैं जी, और कंट्री जो है वो है जर्मनी, और साइज़ जो है वो ब्राउन गोल्डन है। साइज़ छोटा है, स्मॉल है, ये मैं जूम कर रहा हूँ जिसको। 2002 का ये कॉइन है, एफ है, 7 मिनट मार्क है, और जो 2002 से लेकर 2024 तक ये जो कॉइन, इसका मतलब कि अभी तक ये चल रहा है ये वाला डिज़ाइन। करेंसी यूरो है और वैल्यू 5 यूरो सेंट्स। ये देखें बॉर्डर है इसका, उसके अंदर ये एक सर्कल है, सर्कल स्ट्रिप, उसके अंदर ये 12 स्टार्स ऑफ यूरोप हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर ये एक ओक ट्विग है जो हमें देखने को मिल रहा है, ये टहनी के साथ जो है वो ब्रांच है, टहनी तना है उसका, ओक ट्री का, ओक लीफ का, सॉरी ओक लीफ है। ये जो 12 स्टार्स हैं, पहले इन पे बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सितारे। ये 12 सितारे इसलिए हैं जी कि यूनिटी जो है उसकी, यूरोप के जो लोगों के अंदर जो है वो जिंदा रहे, उजागर रहे, कि ये यूनिटी को यहाँ पे जो है 12 स्टार्स यहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ पे इंग्रेव किया गया। अच्छा, उसके बाद ये जो ओक लीव है, ये इसका क्या सीन है जी, इस पर हम बात करते हैं। ये सिंबल ऑफ जर्मनी ही जी इसको कह लें, क्योंकि ये हमें हर कॉइन पे जर्मनी के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है जी, यहाँ पे नॉमिनेट करता है स्ट्रेंथ को, लॉन्ग लाइफ को, स्टेबिलिटी को, एंड्योरेंस को, फर्टिलिटी को, पावर को, जस्टिस को, होनेस्टी को, ये सारी चीज़ों को याद करने के लिए, याद दहानी के लिए ये मकसद है कि जब भी आप ये कॉइन देखें, ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि ये जो हमारा मोटो है बेसिकली ये जर्मनी का, पीस, यूनिटी, ये दो चीज़ें जो है मेन है जी। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि ये इसको जो है वो साथ लेकर, इस सिंबल को साथ लेकर चलना, दैट्स वेरी कूल। ठीक है जी, उसके बाद ये ओक ट्री जो है, ये ओक लीव, पहले ओक लीव पे बात कर रहे थे, तो ओक लीव पे रहते हैं। ओक लीव की ये सिंबल है, इसको चीज़ को ये यहाँ पे नॉमिनेट करता है। उसके बाद आपको पता है जी कि ये बहुत सी जड़ी बूटियों में इस्तेमाल किया जाता है, एज अ मेडिसन इसको इस्तेमाल करते हैं ये ओक लीव को। उसके बाद ओक ट्री जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, तो ये कंस्ट्रक्ट बिल्ड, कि आप अपने मुल्क को और बिल्ड करें और कंस्ट्रक्ट करें, इसको भी ये यहाँ पे नॉमिनेट कर रहा है। तो ये बड़े मज़े का जो एक थीम है, एक मोटो है, एक सिंबल है, अगर हम इसको सोचें और अगर इस पर ध्यान दें तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये थी जी ओक लीव और ओक ट्री की थोड़ी सी कहानी, और साथ 12 स्टार्स की। तो अब चलते हैं दूसरी साइड पर, देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। ये देखें जी 5 यूरो सेंट्स, एक ज़बरदस्ती लुक के साथ 5 बिग फॉन्ट यूज़ किया गया है, और ये 7 यूरो सेंट। उसके बाद यहाँ पर भी जो है हमें ये स्टार्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, 7 ग्लोब है जी। ग्लोब बेसिकली ये एक मैप है जो कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इनके रिलेशन को, इनके साथ यूनिटी को, ये स्टार साथ इसलिए किए गए हैं कि यूरोप एशिया सारे ममालिक के साथ जो हमारी यूनिटी है, जो एक पीस है, जो एक रिलेशन है, उसको जो है वो यहाँ पे नॉमिनेट रख किया गया है, उसको याद रखने के लिए, याद आने के लिए कि ये सीन है जी, इसको यहाँ से आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कि ये जो हमारी पीपल्स, यूरोप के लोगों के लिए, लोग यूरोप की याद ध्यान, लोगों की याद ध्यान के लिए ये बड़ा एक मैसेज है। तो एक बड़ी मज़े की बात है। ये देखिए 7 LL लिखा हुआ है जी, लुक लक्स, ये इंग्रेवर है, उसने भी अपनी याद ध्यानी यहाँ पे देखें की है LL कि जी मैंने इसको इंग्रेव किया है, तो मुझे आप लोगों ने नहीं भूलना। तो देखें जी, कोई मुश्किल नहीं था ये कॉइन जो है समझने में, इसकी इंफॉर्मेशन में, इसकी हिस्ट्री में, इसके जो ऊपर लोगोस हैं, मोनोग्राम हैं, बड़े मज़े की जो है वो देखने को मिला, सीखने को मिला। सबसे मज़े की बात यह है कि
अगर आप पहले जाते तो आपको पता है जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये देखें 5 यूरो सेंट नुमेरिकल सिंपल और साथ इंग्लिश लैंग्वेज, तो तब भी टूरिस्ट जो है वो इतना कोई इशू नहीं था 2000 के बाद, क्योंकि वहाँ पर करेंसी को रिकगनाइज करने का, क्योंकि ऊपर इंग्लिश में सारा कुछ जो है वो मैंशन है। तो ये हो गई जी मज़े की बात। अब चलते हैं जी हमेशा की तरह से मिड में, सेंटर में, और देखते हैं कि ये रीडिड है, सिंपल है, प्लेन है। नहीं जी प्लेन है, बिल्कुल प्लेन। ये देखिए कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं किया रीडिड का भी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये प्लेन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए ये था जी आज का हमारा 5 यूरो सेंट ब्राउन गोल्ड क्वाइन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी इस तरह के क्वाइंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। अगर आप भी क्वाइन कलेक्शन का शौक़ रखते हैं तब भी हमें जो है बताया करें। ये स्पेशल वीडियोस, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की मेहनत सिर्फ क्वाइन लवर्स के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, ताकि नेक्स्ट क्वाइन के साथ मुलाकात हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।